सबसे खतरनाक प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आइए दोस्तों सारी बातें समझते हैं कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इससे चाइना को क्या फायदा है, पाकिस्तान को क्या फायदा है, और दोस्तों भारत जो है ये भारत दोस्तों क्यों इसका विरोध कर रहा है। एक्चुअली में दोस्तों पाकिस्तान की भीख मांगने की स्थिति है, क्या ऐसी स्थिति है कि वो भीख मांग रहा है, कोई उसे दोस्तों भीख नहीं दे रहा। आप सोचो इससे खराब क्या स्थिति होगी कि भीख मांग रहा है, चलो ठीक है भीख मांग रहा है, कोई दोस्तों सामने से भीख नहीं दे रहा, सीधा लात मार रहा है, क्या सीधा लात मार रहा है दोस्तों। अब देखना आपके कंडीशन क्या है कि हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन डॉलर, पहले दोस्तों लिखना ये सीपीईसी, एक ऐसा फोटो दिखाऊंगा उस फोटो से आप पाकिस्तान का दोस्तों जो भविष्य है ना वो आप भविष्य समझ जाओगे, क्या एक ऐसा फोटो दिखाऊंगा जिससे पाकिस्तान का भविष्य आप समझने वाले हो। देखना सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं इसको चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, क्या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसे दोस्तों हिंदी में कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला प्रश्न, क्या पहला प्रश्न कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों अगर पूछे कि ये कहां से कहां तक है, तो दोस्तों सिंजियांग प्रांत है कहां पर, चाइना के अंदर, अभी फोटो दिखाऊंगा, सिंजियांग जो प्रांत है चाइना के अंदर दोस्तों, पहले फोटो ही देख लो, आओ मेरे साथ में, ये है दोस्तों कौन, ये भाई साहब, ये क्या बताऊं आपको, थोड़ी देर रुक जाओ, क्या थोड़ी देर रुक जाओ दोस्तों, तुम तो ये देखो, पहले देख लेते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से कहां तक है। ये देखो चाइना में दोस्तों एक स्थान है कासगर, क्या जो कासगर स्थान है, कासगर ये दोस्तों प्रांत है कौन सा, सिंजियांग प्रांत, कौन सा है, सिंजियांग प्रांत है चाइना के अंदर, यहां से दोस्तों एक कॉरिडोर बनाया गया, और ये जो कॉरिडोर है ये दोस्तों इस प्रकार बनाया गया है, और आप देखोगे गौर करके ये दोस्तों नल्ला पाकिस्तान, क्या ये नल्ला पाकिस्तान है, और ये कॉरिडोर दोस्तों इस प्रकार यहां से गति करता हुआ यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, क्या नाम है, ग्वादर है, और ये कहां पर स्थित है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये दोस्तों जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, और इस विकास का जो जिम्मा है वो दोस्तों किसके पास है, पैसा लगाएगा इसमें चाइना, क्या मतलब दोस्तों पैसा चाइना लगाएगा, और कौन बिकेगा इसमें, बिकेगा पूरा पाकिस्तान, क्या पूरा पाकिस्तान बिकने वाला है इस दोस्तों कॉरिडोर, इसमें दोस्तों पहला पॉइंट तो इसका पहला चरण दोस्तों पूरा हो गया। सेकंड चरण की जब बात आई तो पाकिस्तान दोस्तों किसके पास गया, पाकिस्तान गया अफगानिस्तान, क्यों गया, क्योंकि यहां पर दोस्तों बैठा है अभी तालिबान, कौन है, तालिबान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने कहा तुम भी शामिल हो जाओ, हमारी तो लंका लग ही रही है, आओ तुम्हारी भी लगवाएं, क्या तुम्हारी भी लगवाएं। अफगानिस्तान ने कहा भाई साहब माफ करो, क्या भाई साहब माफ करो, क्योंकि जो दूसरा देश है उसका उद्देश्य भलाई करना नहीं है, उसका उद्देश्य यह है। ये फोटो समझ जाओ, ये पाकिस्तान का भविष्य तुम्हारे सामने है, ये देखो दोस्तों यह है चाइना, क्या ये चाइना है, यह है दोस्तों ध्यान रखना, यह चाइना और यह दोस्तों पाकिस्तान, इसका उद्देश्य क्या है, यह ड्रैगन है, क्या ड्रैगन दोस्तों, यह हड़प्पा है, क्या यह हड़प्पा है दोस्तों, ड्रैगन है, इसका एक ही उद्देश्य है, और वो है दोस्तों आपके इस पाकिस्तान को इतना लोन देना, इतना लोन देना, इसे इतना दबा देना कि अंत में दोस्तों जो ग्वादर बंदरगाह है वो पाकिस्तान चाइना को ही दे दे। जैसे दोस्तों इसने श्रीलंका किसमें, जैसे दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था श्रीलंका का हम्बनटोटा, याद करो श्रीलंका का हम्बनटोटा, दोस्तों बांग्लादेश का चटगांव, क्या बांग्लादेश का चटगांव, और दोस्तों मालदीव का माले, क्या मालदीव का माले, ये सब दोस्तों किसने हड़प लिए, ये सब की सब लोन दे दे के इनसे लोन चुकाया जाएगा नहीं, ये बात किसको पता है, ये बात दोस्तों इसको पता है, इसको देते जाओ,
जाओ क्या, इसको लोन देते जाओ, इसके मुंह में दोस्तों इतना लोन भर दो कि ये उल्टी करने को तैयार हो ही जाए। और दोस्तों ग्वादर जो बंदरगाह है वो किसके पास चला जाए, आपके चाइना। आप पूछोगे चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, दोस्तों एक कौटिल्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। क्या शत्रु का जो शत्रु है ना उसे हमेशा दोस्त बना के रखो, पाकिस्तान और इंडिया की आपस में नहीं बनती। ये बात किसको पता है, ये बात दोस्तों चाइना को पता है, इसलिए उसने भारत का जो दोस्तों शत्रु है, दुश्मन है एक तरह से पाकिस्तान, उसे अपना दोस्त बना लिया और किसके सामने खड़ा कर दिया है, भारत के सामने खड़ा कर दिया। अब देखना दोस्तों इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। पाकिस्तान को फायदा होगा, पैसा आएगा, लेकिन फिर कह रहा हूं छोटे समय का फायदा, छोटा लोभ दिया है दोस्तों पाकिस्तान को। कुछ समय बाद आप देखना इस नल्ला पाकिस्तान में केवल और केवल दोस्तों लाल झंडे दिखाई देंगे और वो होंगे किसके, चाइना, किसके, चाइना के लाल झंडे इस पूरे दोस्तों कॉरिडोर के ऊपर दिखाई देंगे। अब देखिए पाकिस्तान को फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या पैसा आएगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आएगा पाकिस्तान को, ऐसा लगता है। अब बात करें चाइना को क्या फायदा है, इसका फायदा देखना दोस्तों, ये बिना फायदा के तो है ना दोस्तों छींक भी नहीं मारता। पहला फायदा देखो, पहला फायदा कि ये जो चाइना है वो दोस्तों कहां पहुंच गया, यहां ग्वादर, और ये है दोस्तों कौन सा, ये हिंद महासागर का हिस्सा है, और यहां के बाद आता है अफ्रीका। कौन, यहां के बाद दोस्तों आता है अफ्रीका। तो चाइना एक तरह से दोस्तों अफ्रीका तक अपनी जो पहुंच है वो इस दोस्तों कॉरिडोर के द्वारा, मतलब चाइना अपना जो माल है ना वो इस कॉरिडोर के द्वारा दोस्तों कहां तक पहुंचा देगा, ये अफ्रीका जो है यहां तक दोस्तों पहुंचा देगा। पहला पॉइंट है चाइना की दोस्तों कहां तक पहुंच हो जाएगी, अफ्रीका और हिंद महासागर, क्या अफ्रीका और हिंद महासागर तक चाइना की दोस्तों पहुंच हो जाएगी, किसकी, चाइना। दूसरा फायदा पाकिस्तान, दोस्तों चाइना पाकिस्तान को किसके खिलाफ खड़ा कर सकता है, भारत के खिलाफ, क्या, तो भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिए दोस्तों चाइना किसका उपयोग करेगा, इस नल्ला पाकिस्तान का उपयोग करेगा। और तीसरा फायदा चाइना की दोस्तों एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी का नाम है मोतियों की माला नीति, क्या, मोतियों की माला नीति, या दोस्तों इसे कह दूं भारत को घेरने की नीति, क्या, भारत को दोस्तों घेरने की नीति। क्योंकि चाइना को एक बात पता है कि अगर एशिया में चाइना को कोई मात देगा तो भविष्य में दोस्तों भारत ही दे सकता है, क्योंकि भारत के पास में दोस्तों क्या है, भारत के पास में जनसंख्या है, भारत के पास में युवा है, और भारत के पास में दोस्तों सबसे बड़े लोकतंत्र का ठप्पा है, क्या, सबसे बड़े लोकतंत्र का ठप्पा है, जिसके कारण यूरोप, अमेरिका किसका सपोर्ट करेंगे, भारत का सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली में दोस्तों ये नीति है ना, तुम इतना समझ लो ये दोस्तों अपना इंडिया, क्या, ये अपने इंडिया का साउथ पार्ट है। एक्चुअली में यहां पर दोस्तों कौन है, बांग्लादेश, इसने बांग्लादेश का क्या ले लिया, चट्टगांव, क्या, चट्टगांव। इसके बाद दोस्तों यहां पर है श्रीलंका, इसका इसने लिया हम्बनटोटा, क्या, हम्बनटोटा। ये मालदीव, इसे भी दोस्तों कर्ज में डुबा दिया किसने, आपके पाकिस्तान ने। और यहां दोस्तों आ गया ग्वादर, क्या, ग्वादर है। और तुम अगर गौर करोगे तो ये देखिए दोस्तों आप सभी, ये है भारत को घेरने की नीति, क्या, ये है दोस्तों भारत को घेरने की नीति, इसे कहते हैं मोतियों की माला नीति, क्या, मोतियों की माला नीति दोस्तों इसे कहा जाता है। ये है असली उद्देश्य, क्या, ये है दोस्तों असली उद्देश्य कि भारत को चारों तरफ से दोस्तों क्या करो, घेर लो, और भारत को कहां उलझाओ, पाकिस्तान के साथ में उलझाओ और खुद दोस्तों आगे बढ़ते जाओ। अब आप पूछोगे कि इस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर से भारत को क्या समस्या है, ये तो चाइना पाकिस्तान के बीच में हमें कोई समस्या नहीं है, खूब अपने देश में दोस्तों सड़कें बनवाओ, खूब पाकिस्तान चाइना का झंडा लगवाए, 2, 4, 5 लगवाए, लेकिन भारत के क्षेत्र में से ये कॉरिडोर नहीं गुजरना चाहिए। क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं दोस्तों, ये जो कॉरिडोर है वो दोस्तों कहां से गुजर रहा है, ये कॉरिडोर यहां,
इस वाले स्थान से गुजर रहा है, और ये वाला जो स्थान है ये है दोस्तों गिलगिट बाल्टिस्तान। कौन सा है? ये वाला स्थान है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि दोस्तों विवादित क्षेत्र है। क्या? विवादित क्षेत्र है। आप पूछोगे कि भारत क्यों विरोध कर रहा है? अगर दोस्तों भारत ये कह देता है कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्वागत करते हैं, मतलब दोस्तों हम इस वाले हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। भाई अभी तो हम कह रहे हैं ना कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्वागत करते हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है हम खुद कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा किसका हो गया, ये वाला हिस्सा जो है वो दोस्तों किसका? पाकिस्तान का हो गया। इसीलिए भारत ने कहा खूब बनाओ कॉरिडोर, जहां से दोस्तों निकालना है निकाल दो, लेकिन ये दोस्तों कहां से? ये आपके गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, जो दोस्तों विवादित क्षेत्र है, यहां से नहीं गुजरना चाहिए। ये दोस्तों भारत ने इसका विरोध किया। तुम पूछोगे विरोध करने से काम चल जाएगा? अरे कुछ नहीं चलेगा। भारत ने दोस्तों क्या किया, इसने बनाया यहां चाहबार। क्या? चाहबार। भारत ने दोस्तों इसके जस्ट आगे, सॉरी, इसने बनाया दोस्तों यहां ग्वादर। क्या? ग्वादर। भारत ने इसके जस्ट आगे दोस्तों बनाया चाबहार। क्या? भारत ने दोस्तों यहां पर बना दिया चाबहार। और ये दोस्तों स्थित कहां पर है? ये स्थित है ईरान। कहां? ईरान। और भारत दोस्तों आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था, इस चाबहार के बाद में भारत अफगानिस्तान और फिर दोस्तों कौन सा, मिडिल जो एशिया है यहां पर एंट्री करेगा। और भारत दोस्तों हमेशा देखना आप, भारत, जापान, अमेरिका, ये तीनों दोस्तों किसके विरोधी हैं? चाइना के दोस्तों विरोधी हैं। और इन तीनों के साथ मिलके एक एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज। और ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और अमेरिका, ये चारों आपस में मिलके दोस्तों एक संगठन बनाया है, क्वाड संगठन, जिसका सीधा उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना। क्या? चाइना को काउंटर करना। और ये दोस्तों स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है। ये ड्रैगन, अंत में आपसे फिर कह रहा हूं, ये ड्रैगन इसको इतना लोन देगा, इतना लोन देगा कि ये पुष्पा झुक जाएगी। क्या? ये पुष्पा दोस्तों झुकेगी और ये ड्रोन इसको निगल जाएगा। क्या? ये ड्रोन इसको निगल जाएगा। यही दोस्तों पाकिस्तान के साथ होने है, क्योंकि यही दोस्तों हमारे पोते के साथ में हुआ था, यही दोस्तों श्रीलंका के साथ में हम्मन टोटा के लिए हुआ, यही बांग्लादेश में चटगांव के लिए हुआ, और यही दोस्तों आपके मालदीव के साथ में हुआ है, और यही दोस्तों भविष्य में किसके साथ में? ये पाकिस्तान के साथ में। पर दोस्तों पाकिस्तान की भी समस्या है, इसे कोई लोन देने को तैयार ही नहीं है। क्या? इसे दोस्तों ये सूट बूट पहन के जो गया है ना दोस्तों बाबू जी बन के, इसे कोई लोन ही नहीं देता। जैसे ही इसकी शकल देखते हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। कई लोगों की दोस्तों शकल होती है कि वो मांगने ही आए हैं ना, उनकी शकल पे दोस्तों लिखा है, ये देखो आप इसे गौर से देखो, इनकी शकल पे लिखा है दोस्तों क्या, ये मांगने आए। सबकी नजर देखो इसकी तरफ है। क्या? सबकी नजर इसकी तरफ है, कितना मांगेगा वे, कितना मांगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसने कितना पैसा मांगा है? इसने मांगा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, $60 बिलियन। चाइना ने कहा तथास्तु। क्या? तथास्तु, लेता जा। क्या? तू लेता जा, पर ध्यान रखना इतना देंगे तुझे, इतना देंगे कि जिस दिन पुष्पा झुकेगी उस दिन दोस्तों ध्यान रखना ये ड्रैगन जो है वो इसे हड़प लेगा। क्या? ये ड्रैगन दोस्तों इसे हड़प लेगा। ये दोस्तों ध्यान रखना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, $60 बिलियन जो है ये दोस्तों सेकंड के लिए। क्या? सेकंड चरण के लिए चाइना दोस्तों किसको देने वाला है? चाइना दोस्तों ध्यान रखना पाकिस्तान को देने वाला है।